यार थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स बहुत ही आजकल का फैशन और पहले फैशन में ट्रेंड्स बहुत बदल गए हैं, ठीक है। आजकल पहले बहुत कलर रिस्ट्रिक्शन थे कि लड़कियों के लिए यही कलर है तो वही पहनेंगे, लड़कों के लिए यही कलर है तो वो पहनेंगे, बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है। पीपल आर फ्री टू वियर वट एवर दे वॉन्ट टू। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पहनते हैं, उनको अवॉइड करते हैं बिकॉज उनको मैं फैशन नहीं बोलता हूँ। एंड बट या फॉर मी फैशन एनी थिंग विच यू कैन कैरी सो वेल, जो आप अच्छे से कैरी कर सकते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करती है। फैशन डजेंट मीन ओनली क्लॉथ, इज़ अच्छा मेकअप, अच्छा हेयर्स, अच्छा अपीयरेंस, इज ऑल केम अंडर फैशन। सो स्टाइलिंग इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ फैशन ओनली। स्टाइलिंग का मतलब ही फैशन को कम्प्लीट करना है। अगर जिस तरीके से बात करूँ मैं आपसे, फैशन को आप बेहद बेहतरीन तरीके से समझती हूँ, आप फैशन की गहराई तक गए जी। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि लड़की कपड़ों को देख करके इसमें बोल्ड पहना, इसे कपड़ों का सेंस नहीं है। एक तो उस लड़कों की बात करोगे जैसे कपड़ों का, तो मेरे को आपसे जानना है कि जो कपड़ों को लोग जज करते हैं, लोगों इसको बोल्ड है, ये वो पहनता है, ये पहनती है, इस बारे में आपकी क्या राय है? बोल्ड कपड़े पहनना बुरा नहीं है, बट जगह और माहौल के हिसाब से मैं कहूँगा। तो बोल्ड कपड़े पहनना मैं खिलाफ़ नहीं हूँ। ऑफकोर्स द काइंड ऑफ यू नो इंडस्ट्री वी वर्क फॉर, अच्छे कपड़े पहनना, गुड लुकिंग कपड़े पहनना, अच्छा कंटेंट करना इज़ अ गुड थिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे नंगे घूमोगे एंड पीपल विल मेक फन ऑफ यू, तो वो बहुत गलत हो जाता है। कुछ कुछ आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आई एम श्योर उनको समझना चाहिए, आप भारतीय संस्कृति में रहते हो, इंडिया में रहते हो, तो देर इज़ अ लिमिट हमारा, समझ रहे हो? तो उस लिमिट में रह के रखें तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी चीज़ अगर एक लिमिट में की जाए, भले ही वो फैशन क्यों ना हो, तो वो अच्छी लगती है। वो आउट ऑफ द लिमिट होती है, आउट ऑफ द बॉक्स होती है, तो लोगों को समझ में नहीं आता, आप हास्य का पात्र बन जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर बात करूँ मैं आपके तजुर्बे की, आप अपने तजुर्बे से क्या देखते हैं कि फैशन इंडस्ट्री कहाँ तक ग्रो करेगी, कहाँ तक पहुँचेगी आने वाले सालों में? सी, फैशन ने अपने इंडस्ट्री में बहुत ग्रो किया है, बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। पहले के फैशन बहुत अलग होते थे और अब ट्रेंड ही बिल्कुल चेंज हो गया है। तो फैशन एक ऐसा है कि इट्स लाइक यूनिवर्स, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसमें प्लस 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 चीज़ें होती जाएंगी, कुछ और नया ट्रेंड आ जाएगा, कुछ और नए स्टाइल आ जाएंगे, कुछ और नए वेरिएशन आ जाएंगे, बट इट्स लाइक अ समुंदर की जहाँ जितना आप डिस्कवर करोगे ये और गहरा होता जाएगा। अब जैसे मैं अगर बात करता आपके तजुर्बे की तरफ, आपके काम की तरफ अगर एक थोड़ी सी नज़र घुमाऊं, इतना सारा बिग प्रोजेक्ट्स आपने किया कि फिलहाल नाम लेते रहते समय कम हो जाएगा, तो चाहूँगा आप भी अपने बारे में कि इंडस्ट्री में आपने इतने लोगों को अपने अपने कपड़े पहने, अपने तरीके से डिज़ाइन किया फैशन, उसके बारे में क्या देखें, किसके साथ सबसे अच्छा बॉन्ड रहा और कौन ऐसा जो आपके आउटफिट को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं? सी, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया जैसा आपने बोला है, बट आई एम श्योर कुछ कुछ लोग होते हैं जो आपके दिल पे एक यू नो छाप छोड़ के जाते हैं। तो आई हैव ऐसा नहीं है कि सभी आर्टिस्ट अच्छे थे, बट कुछ लोग हैं जो मेरे जिनसे मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट होता हूँ। फॉर एग्जांपल मीका सिंह, वो मुझे बहुत पसंद है एंड उनके साथ मैंने मीका स्वयंवर मीका रिवोटी किया। उसके बाद तो आई एम द इन हाउस स्टाइलिस्ट, मैं बहुत सारे उनके सॉन्ग्स भी करता हूँ स्टाइल, और एज पर रिक्वायरमेंट आई एम अवेलेबल फॉर देम। तो एक ऐसे सिंगर और आर्टिस्ट है जिनके साथ मुझे काम करके पर्सनली बहुत मज़ा आता है। और उसके अलावा आई रिसेंटली डिड शूट विद मोनिका बेदी, सोनम खान एंड सो मेनी पीपल, सो बहुत मज़ा आता है यार। सारे ही आर्टिस्ट फेवरेट है, अर्चना गौतम, शी इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। उसके साथ मुझे कंटेंट बनाने में बहुत मज़ा आता है, हमारी डांसिंग रील कभी लोगों को पसंद भी आती है। तो या सभी आर्टिस्ट के साथ मज़ा आता है एंड बट कुछ नाम हैं जो अब हमेशा दिल के पास रहेंगे जी। अगर बात करूँ मैं आज की अभी की प्रेजेंट की, तो इन दिनों OTT और रियलिटी शो एक दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन गए जहाँ पर आर्टिस्ट अपने टैलेंट को निखार भी रहा और उतनी तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है जी। अगर बात करूँ मैं बिग बॉस की, क्योंकि बिग बॉस के अंदर भी कई ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने आपके आउटफिट पहनकर मतलब चार चांद लगाए, उसके बारे में एक्सपीरियंस के बारे में पहली बात क्या बताना चाहेंगे? सी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने 14, 15, 16 के लिए स्टाइल किया है। मैंने गौतम विक को अपने कपड़े दिए हैं, मैंने उमर रियाज को दिए हैं, मैंने विशाल कोटियन को दिए हैं, अर्चना गौतम को, बहुत सारे लोगों को मैंने स्टाइल किया है एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड बिकॉज लोग वेट करते हैं वीकेंड के वार का, बिकॉज एक नया फैशन सेंस, फैशन ट्रेंड देखने को मिलता है जब वैन वी टॉक अबाउट वीकेंड का वार, एंड उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो लुक है बहुत वायरल भी हुई, बहुत मीडिया ने भी उनके बारे में बहुत छापा, हमारी कुछ कुछ आउटफिट बहुत फेमस हुई थी। आई स्टिल रिमेंबर जब हमने उमर रियाज को स्टाइल किया था उसकी दिवाली के लुक के लिए, तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला था उनको। धर्मेंद्र जी आए थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने बहुत उनके कॉम्प्लीमेंट दिया था उनकी आउटफिट के लगे। सो जी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब अगर हम बिग बॉस की बात करें तो मैं किसी अगर उभरते सितारे की बात करूँ या फिर ऐसे किसी स्टार की बात करूँ जो बहुत लंबे समय से काम कर, उन सभी का कहीं ना कहीं सपना एक टेलीविजन स्टार का भी, वो कहीं ना कहीं मतलब बिग बॉस तक पहुँच पाए,
तो आपको लगा नहीं स्टाइलिंग करते हुए कहीं ना कहीं मेरा भी कभी सफर बिग बॉस की तरफ जाना चाहिए? डेफिनेटली आप जब मेहनत करते हो और जब आपके काम की सराहना होती है तो आपको एवरी वन नीड अप्रिसिएशन, फिर वो चाहे एक छोटा सा अवार्ड हो या कोई रियलिटी शोज हो, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गो देयर. अगर मुझे ऐसा कभी चांस मिलता है या मेरे पास उनकी टीम कनेक्ट होती है, डेफिनेटली आई वुड लव टू गो देयर. एंड आई एम श्योर अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो बहुत अच्छा लोगों को मज़ा आने वाला है, बिकॉज मैं किसी के सुनने के रवाना नहीं हूँ, फाड़ के रखने वाला हूँ. अगर जिस तरीके से भी अगर आप बिग बॉस अपडेट कर बता रहे हैं तो कहते ना कि शुभ काम को देरी क्यों, तो फिर इसी साल तो एक नया आने वाला एक सीजन, तो क्या उस नए सीजन में कहीं ना कहीं कुछ आप ट्राई कर सकते हैं कि आप दिखे हमें? जी हाँ, डेफिनेटली आई वुड लव टू गो. जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर उनको लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ तो डेफिनेटली वो मुझे लेके जाएँ. एंड फिर देखो, जैसे लोग आज डोली बिंदा और राखी को याद करते हैं, फिर लोग मोहित कपूर को याद किया करेंगे. अगर बिग बॉस की अगर ऊपर हम बात करें, अगर बिग बॉस की सारी जर्नी उठाकर देखूं तो हर बार हमें एक ऐसा कंटेस्टेंट मिला जो एक अलग पहचान बना कर गया. जैसे अभी की बात करें, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है जिन्होंने एल्विस जो है एक यूट्यूबर कम्युनिटी से आने वाले बंदे ने एक फाड़ के रख दिया. जी, तो आपको क्या लगता है किस तरीके के कंटेस्टेंट्स होंगे जब घर के अंदर जाएं? सी, मैं एल्विस से बहुत कनेक्ट होता हूँ, बिकॉज वो भी हरियाणा से और मैं भी हरियाणा से हूँ. तो मेरे को उसकी जीत से खुशी भी बहुत हुई थी जब मुझे पता चला कि एक यू नो वाइल्ड कार्ड एंट्री का बंदा आके विनर बन गया. ये कहना बहुत ईजी होता है कि आप यूट्यूब पे काम करते हैं, आपका ऑलरेडी फ़ैन फॉलोइंग है. जनरली ऐसा नहीं होता, बिकॉज उस टाइम पर आपकी जो ऑडियंस है, आपको जो काम आप रियलिटी शो के अंदर कर रहे हो उस लेवल पे जज करते हैं, ना कि आपको जो कंटेंट यूट्यूब पे बना रहे थे. तो इस तरह के रूमर फैलाना और बोलना कि नहीं नहीं उसका ऑलरेडी एक फ़ैन फॉलोइंग था, उसका एक सेट फॉर्मेट था, वैसा नहीं होता. ट्रस्ट मी, आपको हर लोग आपको हर नए अंदाज में देखना पसंद करते हैं. तो आई थिंक मैं बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई विल नॉट से ही इंस्पायर मी, बट डेफिनेटली आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट टू नो दैट ही इज़ वन ऑफ द विनर. अगर जैसे सीजन की बात करते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री विनर बन जाए, तो क्या लगता है इस साल भी कहीं ना कहीं वो जा सकते हैं कि वाइल्ड कार्ड ही विनर बन जाए फिर भी? यू नेवर नो. मैं इतना बोलूँगा कि जो लोग अच्छा करेंगे, अच्छे से यू नो व्हाट यू से, अच्छे से हिस्सा लेंगे और जनता को एंटरटेन करेंगे, तो डेफिनेटली वो विनर तो बनेंगे. अगर मैं मोहित से बात करूँ तो कौन सा रियलिटी शो है जो उसे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है? कि रियलिटी शो तो डेफिनेटली मुझे बिग बॉस ही पसंद है. OTT भी फॉलो किया है मैंने, बट आई थिंक मैं कलर्स पे जो आता है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ. एंड उसके अलावा तो आई थिंक हमारे पास और रियलिटी शोज है. मैंने मेकर OTT किया था, तो वो मुझे डेफिनेटली पसंद आया था, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द शो, आई वॉज द ऑफिशियल स्टाइलिस्ट फॉर दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, शो सारे अच्छे हैं यार. ये तो आपका आइडियोलॉजी है, नज़रिया है कि किसी को क्या पसंद आता है. अब सिंगिंग के शो भी बहुत चलते हैं, ठीक है, लोगों को डांसिंग नच के लिए बहुत अपने टाइम में फेमस हुआ था. अलग अलग शो हैं, अलग अलग लोगों की पसंद है, अलग अलग ऑडियंस है, अलग अलग फैन फॉलोइंग है, तो इस हिसाब से लोगों की चॉइसेस हैं. मोहित कपूर का नाम ऑलरेडी बहुत चमक रहा है, और इस चमक को बरकरार रखने के लिए आगे किस तरीके के और भी प्रोजेक्ट्स आप करेंगे या कुछ नए अपने स्टाइल के बाहर जाएंगे? जी डेफिनेटली, हमने हमारा अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया है, मोडा फैशन वीक बाय मोहित कपूर, जिसका हमारा फर्स्ट शो हो रहा है मुंबई में 3rd, 4th, and 5th November को. आपको फर्स्ट शो देखने को मिलेगा. उसके अलावा वी हैव आवर फैशन वीक इन देहरादून, दुबई, श्रीलंका एंड बैंगलोर एंड पटना. पटना को हमने इसलिए चूज़ किया बिकॉज वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे एलीट लेवल पे कोई शो हुआ है या लोगों को स्टिल ऐसा कंटेंट देखने को मिला है या ऐसे शोज देखने मिले. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फैशन छोटे शहरों से भी आता है. ऐसा नहीं है कि एक बॉम्बे में आप रहते हैं तो ही फैशन होगा. दिल्ली में जाइए, दिल्ली में बहुत अच्छा फैशन. आप चंडीगढ़ जाइए, वहाँ पर भी बहुत अच्छा फैशन है. तो इसलिए हमने पटना चूज़ किया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लोग भी समझे, वहाँ की ऑडियंस भी इस चीज़ से अवेयर हो. लास्टली मैं आपको एक चाहूँगा कि आप उन फैंस, उन ऑडियंस, उन यूथ को एक मैसेज, उन यंगस्टर्स को मैसेज जो कहीं ना कहीं मोहित कपूर तक पहुँचे थे और उनसे भी आगे कहीं बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? गाइज, पॉजिटिव रहिए एंड खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपना विज़न बहुत क्लियर रखिए. बिकॉज अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपका विज़न क्लियर नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो. मैं बहुत ज़्यादा तो मैंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया, बट जितना भी मैंने अचीव किया अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा. गाइज, बी पॉजिटिव एंड अगर आप फोकस हैं अपनी चीज़ को लेके, तो डेफिनेटली यू विल गोना अचीव योर गोल्स. इस ब्यूटीफुल से मुलाकात में आप अपने तरफ से कुछ और ऐड करना चाहेंगे इस बाइट? गाइज, ऐसे ही प्यार करते रहिए, हमें फॉलो कीजिए, हम आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आते रहेंगे एंड मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी. थैंक यू सो मच मोहित जी. थैंक यू. जिस तरीके से मैंने बाहर नाम सुना था मोहित कपूर का, मैंने मुलाकात करके साक्षात देख ली कि हाँ, दैट इज द मोहित. Thank you so much. Thank you so much.